महासमुंद जिले में शराब के अवैध कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस प्रशासन की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में ग्राम पचरी में खेत के पास स्थित छोटे से मकान से भारी मात्रा में शराब निर्माण का भंडाफोड़ किया गया है। महासमुंद जिले में शराब का अवैध कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस प्रशासन की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। उसके बाद भी ग्रामीण इलाकों में शराब के अवैध फैक्ट्री संचालित किए जा रहे हैं और भारी मात्रा में शराब बेचने का कारोबार चल रहा है। अवैध शराब के कारोबार का ताजा मामला ग्राम पचरी से सामने आया है, जहां खेत के पास स्थित एक छोटे से मकान में भारी मात्रा में शराब निर्माण का काम चल रहा था। पुलिस को इसकी मुखबिर से सूचना मिली, जिसके आधार पर पचरी पहुंचकर पुलिस ने मौकाए वारदात पर दबिश दी और अवैध शराब के कारोबार पर छापामार कार्रवाई की। पुलिस की इस कार्रवाई में आरोपी फरार होने में कामयाब हो गया, लेकिन खेत में बने मकान में चल रहे अवैध शराब निर्माण की फैक्ट्री को नष्ट किया गया तथा 60 ड्रम महुआ पास को भी नष्ट किया गया। आपको बता दें, ग्राम पंचायत पचरी में लंबे समय से अवैध शराब निर्माण की शिकायत सामने आ रही थी। उसके बाद बटेवा पुलिस द्वारा यह कार्रवाई की गई है। महासमुंद से किशोर कर की रिपोर्ट, ACN 24।